वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हो आप सब? आज की मेरी मॉर्निंग ड्रिंक एक दालचीनी का टुकड़ा और एक इलायची, इनको मैं बॉयल करके सिप सिप करके पानी पीऊंगी। और मेरा रेडी हो चुका है। और रात को जो मैंने अपना पुडिंग रेडी करके फ्रिज में रखी थी, आप देख सकते हो बिल्कुल अच्छी तरह से वो रेडी हो चुका है। और ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, आप इसे ट्राई करके ज़रूर देखना, आपको भूख बिल्कुल भी नहीं लगेगी। और वैसे भी आपके डाइजेस्ट होने में ये बहुत अच्छा होता है और आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होगी। तो इसे मैं अभी नहीं खाऊंगी, थोड़ी देर में खाऊंगी। मेरी मॉर्निंग ड्रिंक रेडी हो चुकी है, अब मैं इसे सिप सिप करके पीऊंगी। हेल्दी गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने घर में खुश होंगे, हेल्दी होंगे, फिट होंगे। तो आज मेरा फोर्थ डे और मैं आज भी बिल्कुल भी, आप लोग देख सकते हो, बिल्कुल भी जरा सी भी मैं डाउन अपने आप को फील नहीं कर रही। मैं ना पहले सोचती थी कि सोल्ट के बिना हाई ये होगा वो होगा, मैं वही हूँ जो हाफ में ही अपना सोल्ट फ्री ब्रेक कर देती थी, कुछ घंटे रख के फिर भी ब्रेक कर देती थी। चक्कर आने शुरू हो जाते थे, बीपी लो हो जाता था, मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो लेकिन अब आज मेरा फोर्थ डे है, बहुत अच्छी तरह से मैं अपने आप को एनर्जेटिक फील कर रही हूँ। और सबसे जरूरी बात जो मैं आपसे शेयर करती हूँ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, फेस ग्लो। मेरा फेस ग्लो मुझे नेचुरल ऐसा फील हो रहा है कि नेचुरल मुझे 4 दिनों में फर्क लगा है। और इंचेस, मतलब जो पेट में मुझे ब्लोटिंग फील हो रही थी दिवाली के बाद से, उससे मुझे बहुत ज़्यादा रिलीफ हुआ है। बहुत अच्छी तरह से मॉर्निंग में मैं बिल्कुल क्लीन होते हैं। और चीज़ मैं बताती हूँ कि जो पानी का मेरी क्वांटिटी कम हो गई थी दिवाली के बाद से, बीमार होने के बाद से पानी मैं दोबारा से बहुत अच्छी अच्छी क्वांटिटी में पीने लग गई हूँ। डिटॉक्स वाटर्स का बहुत अच्छा रिजल्ट्स है। फ्रेंड्स, मेरी बिल्कुल रूटीन पे आ चुकी हूं मैं। और फ्रेंड्स, आप देख सकते हो, मतलब आपको कुछ दिन पहले की मैं दिखाऊं, दिवाली के बाद से मुझे थोड़ी सी ब्लोटिंग फील होने शुरू हो गई थी पेट पे, थोड़ा सा मेडिसिन की वजह से थोड़ा सा मुझे फील हो रहा था। आप लोगों को नहीं होगा लेकिन जिसकी ब्लोटिंग होती है उसे फील हो जाता है। फेस पे भी पफिनेस बहुत ज्यादा फील होनी शुरू हो गई थी, फेस थोड़ा डल मुझे लगना शुरू हो गया था। तो फोर्थ डे बिल्कुल भी मैं अपने आप को डाउन नहीं फील कर रही और ट्रैक पे आ चुकी है दोबारा से लाइफ। तो आप लोग इकट्ठे मत करो, आप लोग किसी भी दिन अपने वीक में एक बार या फिर दो बार आप अपने सोल्ट फ्री कर सकते हो। जब मैं 88 की थी फ्रेंड्स, मैं तब रेगुलर अपनी सोल्ट फ्री नहीं करती थी। मैं ये सिर्फ अपने साथ एक एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ कि मैं देखना चाहती हूँ किस दिन मैं खुद से बोलूँ कि नहीं बस बहुत हो गया, अब मुझे सोल्ट चाहिए, मेरी बॉडी मुझे ये बात बोले। तो वो दिन कब आएगा? जब मुझे चक्कर फील होंगे, जब मुझे बहुत ज्यादा वीकनेस आनी शुरू हो जाएगी, मुझे हैवीपन लगना शुरू हो जाएगा और मेरे फेस पे दिखना शुरू हो जाएगा, तो उस दिन मैं अपना सोल्ट फ्री ब्रेक कर दूंगी। अभी फिलहाल मैं अपना फोर्थ डे भी ऐसे कंटिन्यू कर रही हूँ। और आज भी मैं जल्दी नहा ली थी क्योंकि मुझे थोड़ा किचन का सामान वगैरह लेने जाना है। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी जरूर ट्राई करके देखना, बहुत अच्छे खासे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। वीक में एक दिन ले लीजिए, मंडे को आप ले सकते हो। ये सोचिए कि आप कोई फास्ट रख रहे हो या फिर आप फ्राइडे को कर सकते हो अगर आपको ट्वाइस करना है वीक में। तो बहुत अच्छे खासे आपके इंचेस भी लूज होंगे। और जिनको फेस पे एलर्जी की प्रॉब्लम है, वो फेस पे इसलिए आती है पिंपल्स की प्रॉब्लम, पेट से जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो हमारे पेट से होके पूरी बॉडी पे आती है। क्योंकि हम क्या करते हैं, जल्दी जल्दी हम खाना खाते हैं और सारा काम हम किस मशीन पे छोड़ देते हैं, बेचारी हमारी टमी। और फिर हम कहते हैं कि हमारा टमी कम नहीं हो रहा, टमी कम बहुत ज्यादा मेहनत से होगा। मेरा 44 से अगर मेरी कमर 27 पे आई है, वो सिर्फ मेरे हार्डवर्क की वजह से, मेरे 32 बार चबाने की आदत की वजह से। आप मेरी वॉक लगा लो, डिटॉक्स वाटर लगा लो, मेरे फ्रूट्स खाने की आदत, मेरे सैलेड्स बहुत अच्छी क्वांटिटी में खाने की, और मैं बैलेंस डाइट करके खाती हूँ, पानी सिप सिप करके पीती हूँ, अपनी होममेड टी लेती हूँ, मैं हर सब्जेक्ट पे अच्छी तरह से वर्क करती हूँ। मैंने खाली एक ही सब्जेक्ट में मेरिट हासिल नहीं करके मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी में टॉप किया, मैंने अपने सारे के सारे सब्जेक्ट्स को इकट्ठा लेके चली हूँ।
और मैंने बहुत अच्छा अपना होमवर्क किया, तो आप लोग भी बहुत अच्छा अपना होमवर्क कीजिए, कोई चीटिंग मत कीजिए। अगर चीटिंग, देखो पता है क्या होता है, चीटिंग हम नहीं देखते, हम किसी को बताते, हम कह देंगे हाँ जी हमने ये किया, वो ऊपर मालिक है ना जो, वो रब है, वो देखता है, आपकी बॉडी तो देखती है, आपकी बॉडी को तो पता है कि आप क्या चीटिंग कर रहे हो। अगर चीट मील करते भी हो, सेम डे आप एक्सरसाइज कीजिए, सेम डे आप वॉक कीजिए, या फिर आपने जितनी कैलोरीज अपनी ले ली है टोटल कैलोरीज में से कट कर दीजिए कि मैंने इतनी कैलोरी ले ली है, मैं नेक्स्ट अपनी कैलोरी और नहीं लूंगा या नहीं लूंगी, कभी भी लाइफ में आपका वेट फ्रेंड्स नहीं बढ़ेगा। वेरी गुड। आलू का पराठा बना रहा हूँ। पराठा बना रहा हूँ आलू का। आलू का पराठा बना रहे हो? वेरी गुड। ये हमारा हो चुका है और एक प्रियंशु बना रहे हैं। कोई बात नहीं, इसमें सूखा आटा लगाओ। वेरी गुड। अभी से अभी से छोड़ दो, ऐसे चिपक जाता है। अब सूखा आटा लगाओ। ऐसे किया, ऐसे उल्टा कर दिया। अब इसके ऊपर रुको 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 रुको, ऐसे करना है हल्का हल्का। वेरी गुड। बनने ही वाला है। बनने ही वाला है। बनने ही वाला है। वेरी गुड। ये चटनी के साथ खाऊंगा। चटनी के साथ। मुझे ऐसे लग रहा है आप सारी चटनी खत्म कर दोगे। खा लूंगा सारी चटनी। आपको इतनी टेस्टी लगती है? इसके बाद मैं स्क्वायर शेप बनाऊंगा। इसके बाद मैं स्क्वायर शेप बना, मैंने ओवल शेप बनाई है। ओवल शेप बनाई है सच में? ये तो सच में ओवल शेप बना दी है आपने। वेरी गुड। बस बस बस, सारा फीलिंग बाहर निकल जाएगी। फ्रेंड्स, मेरे बेटे की ओवल शेप के पराठे देखो, थोड़े से हो गए हैं, पर नहीं नहीं बेटा, वेरी गुड, बहुत अच्छे बनाए आप, दुनिया के सबसे अच्छे बच्चे हो। चलो मैं बटर भी डालूंगा। ओके बेटा। दुनिया के सबसे अच्छे पराठे बनाता है वो मैं हूँ। अच्छा, आप पराठे बनाते हो? ये देख लो, दो बटर चटनी। ओके, और ब्रश तक नहीं किया अभी तक सुबह सुबह। ये मेरे बेटे की शेप आप देख सकते हो, और सुबह सुबह किचन का पूरा पूरा हाल करके जा चुका है। पर बच्चों की ऐसी ऐसी हरकतें अच्छी लगती हैं, आप देख सकते हो। थोड़ा सा वीडियो के चक्कर में हो गया, अभी से मैं बना लेती हूँ। पर मेरा जो ब्रेकफास्ट है वो अलग है, मैं दिखाती हूँ। मेरा ब्रेकफास्ट ये है, और मेरे बेटे का आप परांठा देख सकते हो, रेडी हो चुका है। हाँ जी बेटा। पिज्जा की तरह कट कर दो। पिज्जा की तरह कट कर दो। और फ्रेंड्स, मेरा बेटा, मैं आपको बताऊं, धनिया बिल्कुल नहीं खाता था, फिर मैंने कुछ ऐसी ट्रिक की, ये धनिया खाने लग गया, और इसे धनिये की चटनी भी बहुत टेस्टी लगती है। टेस्टी खाना। हाँ जी। अब तो इतना टेस्टी खाना, बटर भी लगा रखा है मैंने। वेरी गुड। और ये मेरे बेटे के बनाए हुए परांठे है जो उसने पिज्जा की शेप में कटवाए हैं। और मैं अपनी मिक्स पुडिंग खा रही हूँ। सच में फ्रेंड्स, बहुत टेस्टी है, ट्राई करके जरूर देखना। वाओ, मेरे फेवरेट आलू के परांठे, मिक्स परांठे। पर मुझे तो वेट लूज करना है, अब मैं क्या करूं? अगर आपके अंदर ये डेडिकेशन हो गई ना, फेवरेट चीज को भी देख के आप उसे साइड कर दो, और आप हेल्दी खाना अगर खा सकते हो तो मुझे अपना 1 मंथ दीजिए। मैं अपने 1 मंथ में आपका अच्छा खासा 10 kg लूज करवाऊंगी ही करवाऊंगी, और आपको कुछ भी पे नहीं करना। आपने सिर्फ 1 मंथ मेरे साथ 1 मंथ चैलेंज लेना है, फिर देखना 10 to 15 kg आपका पक्का लूज होगा ही होगा। 11:30, मैं अपने मिक्स फ्रूट्स ले रही हूँ आज। फ्रेंड्स, मैंने ब्रेकफास्ट से पहले नहीं, बाद में फ्रूट्स लिए हैं।
1:30 मैं अपना सैलेड ले रही हूँ। फ्रेंड्स, आज मुझे लंच में भूख नहीं है। आप लोगों को भी अगर लंच की भूख नहीं होती, ज़बरदस्ती मत खाया कीजिए। तो आज मेरा लंच यही होगा, मैंने पनीर लिया है और साथ में मैंने अपने टमाटोज लिए हैं। फ्रेंड्स, मैंने इसके सीड्स नहीं निकाले, पर आप लोग प्लीज़ इसके टमाटोज वगैरह के सीड्स निकाल के ही खाया कीजिए। टमाटो के सीड्स खाने से आपके स्टोन की प्रॉब्लम होती है, तो मैं इसकी साथ साथ में सीड्स निकाल के खाऊं। फ्रेंड्स, बच्चों में भी ये आदत जरूर डाला कीजिए कि वो फ्रूट्स वगैरह खाएं। और आज मेरे बेटे की छुट्टी है, सचेटे को उसकी घर में ही ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, और उसको मैं जरूर ऐसे होमवर्क करते हुए साथ में फ्रूट्स या फिर कुछ ना कुछ खाने को जरूर देती हूँ। और अराउंड 4 मैं अपने पॉपकॉर्न रेडी किए हैं, और मैं अपनी होममेड टी के साथ फ्रेंड्स आज पॉपकॉर्न लूँगी। आप मखाने भी ले सकते हो, पीनट्स वगैरह कुछ भी ले सकते हो। और मेरा लास्ट डिटॉक्स वाटर बिफोर मेरा डिनर है, और ये अमेजिंग डिटॉक्स वाटर है। थोड़ा सा कड़वा जरूर होता है, पर इसके रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। 5:30 मैंने अपना डिनर लिया है। इतनी जल्दी मैं अपना डिनर कर लेती हूँ, आज थोड़ा सा लेट हूँ। और मैंने सिंपल बिना सॉल्ट का शाही पनीर लिया है, और थोड़ी सी मलाई जरूर डाली है, और सिंपल रोटी। इवनिंग का टाइम हो चुका है और प्रिंशु बाहर खेल रहे हैं, तो मैं वैसे तो वॉक नहीं हो पाती, तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी मैं घर के आगे ही वॉक कर लेती हूँ। और फ्रेंड्स, आप देख सकते हो मुझे जरा सी भी वीकनेस नहीं है। तो 4th डे भी फ्रेंड्स कंप्लीट हुआ, और आप इसे देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करके देखना कि हफ्ते में आप एक दिन अपना सोल्ट फ्री जरूर कीजिए, जिसे बहुत अच्छे खासे अपने इंचेस लूज चाहिए। आज मैंने घर पे ही अपने जो नी की चोट थी और जो अंगूठे की चोट थी, उसको मैंने बैंडेज किया है। आती तो नहीं है, पर कोशिश मैंने की है। और 7:30 मैं अपना काढ़ा ले रही हूँ। काढ़ा मैं इन्फेक्शन का लेती हूँ, तो इससे इम्यूनिटी सिस्टम भी बहुत स्ट्रांग होती है। और घर का सारा काम ख़त्म हो चुका है, आप देख सकते हो। और मैंने अपने कल के लिए ये मखाने और पीनट्स को ड्राई रोस्ट करके रख दिया है, तो कल मुझे बहुत टेस्टी मेरा खाना मिलेगा। मुझे बहुत टेस्टी लगता है, सॉल्ट फ्री बहुत ईजी हो जाता है। और मैंने कल के लिए बादाम भी भिगो के रख दिया है। तो फ्रेंड्स, आप भी ये रूटीन फॉलो कीजिए। वेट कुछ भी नहीं है, बहुत इजीली आपका वेट बहुत जल्दी कम हो जाएगा, पर ट्रस्ट मी, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। और मैं सिर्फ आपको गाइड कर सकती हूँ कि कैसे मैंने अपने 32 किलो आसानी से कम कर दिए। तो हैव ए नाइस डे, गुड नाइट ऑल। सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर किया कीजिए।